ना जाने कैसी अदा है उसकी, ना जाने कैसे ख्याल है। बॉलीवुड मूवीज में माशाल्लाह और वेब सीरीज में कमाल है। और खबरों तक तो फिर भी ठीक था, खबरों तक तो फिर भी ठीक था, अब तो मीम्स में भी बचा रही धमाल है। और इतनी तारीफें यूं ही नहीं है, इतनी तारीफें यूं ही नहीं है मेरे दोस्त, राधिका आप्टे अपने आप में ही बवाल है। आपको ये लग रहा होगा कि राधिका आप्टे की मैं इतनी तारीफें एकदम से क्यों करने लगी हूँ, लेकिन ये यूं ही नहीं है। दरअसल राधिका आप्टे का हैप्पी बर्थडे है, तो इसी खास मौके पर मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ उनकी लाइफ से जुड़ी 5 खास बातें। तो देर किस बात की, बिना समय कवाई शुरू करते हैं। मन ये साहिब जी हाँ करता बहाने, नैना ना वब जी ना समझे इशारे। ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि राधिका आप्टे की पहली मूवी चोर इन द सिटी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल राधिका आप्टे ने अपना डेब्यू 2005 में आई मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसी से ही कर लिया था, जिसमें उन्होंने निभाया था शाहिद कपूर की छोटी बहन का किरदार। हैरानी हुई ना, मुझे भी हुई थी। अब बारी है दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। हो सकता है मैं इस फैक्ट से बहुत से लड़कों का दिल तोड़ दूं, लेकिन भाई ये तो सच है। और सच ये है कि राधिका आप्टे मैरिड है। उन्होंने 2012 में ही ब्रिटिश के म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी कर ली थी और अब वो है हैप्पीली मैरिड। और तीसरा फैक्ट ये है कि राधिका आप्टे सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पुणे की छोरी पढ़ाई में भी काफी अच्छी रही है। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। भाई अब जो मैं आपको चौथा फैक्ट बताने जा रही हूँ, उससे शायद आपके मन में राधिका आप्टे के लिए इज्जत और बढ़ जाए, क्योंकि नॉर्मली हमें कितनी लैंग्वेजेस आती होंगी, 1, 2 या 3, लेकिन पुणे की छोरी को पूरी पूरी 7 लैंग्वेजेस आती हैं। वो कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, मराठी। है ना अमेजिंग? तो भाई वाह बर्थडे गर्ल, आप तो कमाल हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इन्हीं कुछ लोगों ने कहा था राधिका आप्टे और तुषार कपूर के अफेयर के बारे में, जब उनकी मूवी चोर इन द सिटी आई थी। हालांकि बाद में राधिका आप्टे ने इस खबर को कर दिया था झूठा साबित। तो ये थी बर्थडे कल राधिका आप्टे की लाइफ से जुड़ी 5 इंटरेस्टिंग बातें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।